ऋषिकेश के एक युवक आशीष गौड़ अकेले ही शराब माफियाओं और भू माफियाओं से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि प्रशासन के सब एकजुट होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंसाफ की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। युवक इतना परेशान है कि अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए ऋषिकेश से देहरादून प्रेस वार्ता करने आना पड़ रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा आशीष गौड़ के साथ, आखिर किस लिए प्रशासन से लड़ रहा है ये युवक। मेन मुद्दे से पहले जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वो खेल मुद्दा था, खेल मैदान में अवैध पार्किंग का। उसके बाद धीरे धीरे इनके जब मैं घुसता गया तो उसमें इनके मतलब इन्होंने कितनी घपलेबाजी और कितना अवैध काम कर रखा है उसका भी पता चलता रहा। पार्किंग के टेंडरों का जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें इन्होंने राजस्वानी कम से कम 64 लाख और 1000 रुपये की राजस्वानी करी है, जो कि जिसमें ये बोल रहे हैं मतलब भारी आदमी ने टेंडर अपना डाला, किसी व्यक्ति ने उसका टेंडर इन्होंने निरस्त किया। उसके बाद 57 मतलब जो 67 लाख रुपए की पार्किंग थी वो इन्होंने 50 लाख में दी, और जो 34 लाख रुपए की पार्किंग थी वो इन्होंने 18 लाख रुपए में दी है, जो 30 लाख 50 हज़ार की पार्किंग वो 16 लाख रुपये में दी है, एक 24 लाख रुपये की पार्किंग थी वो इन्होंने 8 लाख में दी है, 10.5 लाख रुपये का तयबाजारी का ठेका इन्होंने 6 लाख रुपये में दिया है, वो भी इन्होंने सब अपने आदमियों को बांटे गए हैं। मैं कब से मतलब मुझे 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने से मैं लड़ रहा हूँ इस मुद्दे में, पर अभी तक कोई भी राज्य सरकार द्वारा कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। और शराब वहाँ पे शराब का ठेका, तीर्थनगरी में शराब का ठेका, मैंने RTI में सूचना लगा के मतलब सूचना जो मांगी थी उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तीर्थनगरी में शराब का ठेका हो ही नहीं सकता है, जो कि और शराब का ठेका भी कैसे मतलब मान सकते हो आप कि शराब के ठेके से लगा लो कि चंद कदमों की दूरी पे पार्किंग है, मतलब आप एक कदम चलोगे तो पार्किंग होगी, पार्किंग में ठेका है, मतलब हाईवे से आप कूद के जाओगे रोड से तो शराब के ठेके में पहुंच जाओगे, मतलब इस तरीके से नदी से मतलब 100 मीटर का दायरा भी नहीं है, 50 मीटर मामूली बहुत सहायक नदी खारा सुस्त 50 मीटर का। और इन चीज़ों के बीच में मैं लड़ते लड़ते मैं अकेला ही इतना पिस चुका हूँ कि इन्होंने मुझे फंसाने तक की साजिश करी। अभी मेरे खिलाफ 7 तारीख को कोई एक छोटा सा मुद्दा था, कहीं पर किसी का झगड़ा हो रहा था, मैं वहाँ पर खड़ा था, इन्होंने उस मुद्दे को लेकर उनको हटा करके मेरे को मुद्दा बना करके मेरे खिलाफ रिपोर्ट डाली थी। हालांकि अभी तक कोई मेरे पर जांच नहीं आई, उन्होंने पेपर में दिया था 15 अगस्त को, 7 तारीख का मुद्दा 15 तारीख को इन्होंने पेपर में डलाया, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनकी जिस तरीके से मनमानी चल रही है कि वो मतलब अपना पूरा ये सोच के चल रहे हैं कि ये व्यक्ति अकेला ही है और ये लड़ाई। अब मैंने मजबूरन मैं पहले भी यहाँ पे बाइट देने दे चुका था, उत्तरांचल प्रेस क्लब में मैंने वो करी थी, अपनी कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी मतलब बहुत बढ़िया ठीक ठाक रिस्पांस मिला मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, परंतु मेन चीज़ है कि वो उनके ऊपर बिल्कुल भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।